आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग किसी ट्रेलर का रिव्यू नहीं करेंगे। हाँ, हम सर्कस मूवी के ट्रेलर का थोड़ी सी बात जरूर करेंगे, एंड एक गोलमाल सीरीज के बारे में भी अपडेट है, एंड क्या ये चीज़ होने वाली है। सो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो यार, किसकी इंतजार देख रहे हो, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बाकी बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सर्कस मूवी के ट्रेलर की, अब तुम कहोगे कि सर्कस मूवी के ट्रेलर की क्या बात करें, उसकी तो कल चैनल पर वीडियो आ चुकी है। लेकिन इसी ट्रेलर से कनेक्ट होकर के एक आगे गोलमाल मूवी से रिलेटेड अपडेट है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड आई डोंट नो तुमने इस चीज़ का ध्यान दिया होगा नहीं ध्यान दिया होगा, पर मैं बता दूँ, अगर तुमने देखा होगा सर्कस मूवी के ट्रेलर में, पहले तो एक बात बता दो तुमको, उसमें एक कैमियो भी होने वाला है जो कि दीपिका पादुकोण का है। ऑब्वियसली तुमने ट्रेलर में भी देख लिया होगा, लेकिन वो कोई एक मूवी सीन का कैमियो नहीं होने वाला, वो एक सिर्फ आइटम सॉन्ग वाला कैमियो होने वाला है। क्योंकि ये तो थी एक छोटी मोटी सी अपडेट सर्कस मूवी के ट्रेलर में से। लेकिन अगर अब तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा सर्कस मूवी के ट्रेलर में, कि जब ये ट्रेलर आया था लास्ट में, इस ट्रेलर में तुमको एक चीज़ दिखाई है जो कि है जमुना नाथ ऑर्फेनेज। एंड अगर तुम लोग ने ध्यान दिया होगा, जमुना नाथ ऑर्फेनेज एक पार्ट है गोलमाल की सीरीज का, जहाँ पे गोपू या और सारे कैरेक्टर हैं जो कि उसके पार्ट दिखाए हैं, यानी कि अनाथालय है, जिसके ये सारे के सारे जो पांचों कैरेक्टर है ये अनाथालय में से ही निकले हुए हैं। एंड अगर तुम लोग ने ध्यान दिया होगा तो ये गोलमाल मूवी का फिफ्थ पार्ट होने वाला है। एंड क्या ये एक अनाउंसमेंट थी? तो प्रोबेबली ये एक अनाउंसमेंट हो सकती है, जिसमें कि रोहित शेट्टी ने, अगर मैं आपको बताऊँ, 2006 में गोलमाल मूवी स्टार्ट की थी। एंड 2006 में गोलमाल 1, गोलमाल रिटर्न्स आई, फिर 2008 में, फिर उसके बाद 2010 से 11 के बीच में आई गोलमाल 3। एंड उसके बाद काफ़ी लंबा एक टाइम ब्रेक लेने के बाद करीबन 6 साल बाद आई गोलमाल अगेन, यानी कि गोलमाल सीरीज़ का फोर्थ पार्ट, जो कि इतना हिट नहीं रहा था। आपने भी अगर ध्यान दिया हो तो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ उतना अच्छा नहीं था गोलमाल मूवी को लेकर के। एंड ये तो पक्का है कि ये गोलमाल मूवी का फिफ्थ पार्ट होने वाला है। एंड क्या इस मूवी की शूट स्टार्ट हो चुका है, या ये सिर्फ एक छोटा सा स्पॉइलर था, या फिर सर्कस मूवी का भी कोई लिंक बैठ सकता है गोलमाल फ्रेंचाइजी से? सो ये सारी बात का तो क्लियर जब ही होगा, जब ये मूवी आ जाएगी। एंड अगर मैं बताऊँ तो भाई, इस मूवी के ट्रेलर ने इतनी हाइप नहीं क्रिएट की जितना इस मूवी के एंड के एक सीन ने क्रिएट कर दी, जिसमें बोल रहे हैं जमुना नाथ ऑर्फेनेज दिखा रहे हैं, एंड गोपू एंड अदर अदर कैरेक्टर के नाम ले रहे हैं। एंड भाई, इस चीज़ के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ। भले ही गोलमाल 4 कुछ उतना अच्छा नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पे, खैर उसकी स्टोरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, बट गोलमाल सीरीज़ कुछ अलग ही डिलीवर करने के लिए फेमस है। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर गोलमाल सीरीज़, एंड फिफ्थ पार्ट आई थिंक मच बेटर हो सकता है। सो भाई, बस आज की वीडियो यहीं तक ही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।